क्या बात है, आज तुम कॉलेज नहीं गई? और क्या जरूरत थी ये मेरे लिए नाश्ता बनाने की? आप भूल गए, कल ही तो मेरे एग्जाम्स खत्म हुए हैं। अब तो मैं तकरीबन आईटी एक्सपर्ट बन चुकी हूँ। ओह चलो, ये तो गुड न्यूज है कि मेरी बेटी कंप्यूटर एक्सपर्ट बन गई है। अच्छा बाबा, आपसे एक काम है मुझे। अच्छा तो आज हमारी खातर तवाजा इसलिए की जा रही है? ऐसे ही समझ लें। बोलो क्या फरमाइश है? बाबा भी, मेरा रिजल्ट आने में 3 माह बाकी हैं। मैं कह रही थी आप छुट्टियां ले लेते, हम कराची खाला के पास चलते। मैंने कभी समंदर नहीं देखा, मुझे समंदर देखना है। सुनिए बेटे, मेरे काम की नौयत को तो तुम समझती हो, इसलिए इतनी छुट्टी लेना मुश्किल हो जाएगा। क्या मुश्किल है बाबा, और कैसा काम? आज तक आपने वर्दी तो पहनी ही नहीं है, ऐसे ही चले जाते हैं। मुझे तो शक है कि आप पुलिस में काम ही नहीं करते। बाबा आप मेरी बातों पे हंसे मत, आपको छुट्टियां लेनी ही पड़ेंगी वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। और मैं आज से ही भूख हड़ताल करूंगी तब तक जब तक आप छुट्टियां नहीं ले लेते। सोनिया बेटे, अभी अपनी भूख हड़ताल को होल्ड करो, मैं फोन सुन के आता हूँ। बाबा, आपकी इत्तला के मुताबिक सर, लाहौर की हदूद में एक मशकूक ट्रक दाखिल हो गया है, हो सकता है इसमें बारूद हो। किस रूट से? रूट नंबर 1 सर। आप बताएं सर आगे क्या हुक्म है? तुम ऐसा करो, वहीं मेरा वेट करो, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके सर। सोनिया बेटे, इमरजेंसी है, तुम्हारी मेरी बात रात को होगी। ओके पर बाबा वो बोला ना, रात को होगी। बाय। हेलो सर। हाँ सिकंदर, अभी ट्रक गुजरा तो नहीं यहाँ से? नहीं सर, बस अभी गुजरने वाला। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं यहाँ पे। ओके सर। सर वो ट्रक आ गया। जल्दी करो, बैठो। सर मुझे लगता है कि हम शहर से बाहर आ चुके हैं। क्या बात है सर अख्तर? मैं एक मंशियात फरोश की लीड पर काम कर रहा था, उनके एक ट्रक का पीछा करते हुए मैं शहर से बाहर आ गया हूँ। सर आप इस वक्त कहाँ पे हैं? अगर आप कहें तो मैं सेफ सिटी के कैमरों से आपको फॉलो करूँ। जिस जगह मैं हूँ वहाँ कोई सेफ सिटी का कैमरा मौजूद नहीं है। अगर मुझे रेड के लिए मजीद फोर्स की जरूरत पड़ी तो मैं रابطہ करूंगा। सर मैं बैकअप भिजवा देता हूँ। नहीं अभी नहीं, आप मेरी कॉल का इंतजार करें। रोजर सर। सर मुझे लगता है कि हमें फोर्स बुलवा लेनी चाहिए और रेड करनी चाहिए। नहीं, पहले कंफर्मेशन कर लेनी चाहिए। सर अंदर जाना ठीक नहीं है, सोच लें। नहीं सिकंदर, अंदर जाना होगा और मैं अकेला जाता हूँ, तुम मेरा बाहर इंतजार करो। अगर मैं 10 मिनट तक वापस नहीं आया तो कमांड सेंटर इतला कर देना। ओके सर। यूसुफ भाई, इस ट्रक में तो RDX की सिर्फ एक ही पेटी है, हमारा दूसरा माल कहाँ?
ये ट्रक तो एक कबूतर को जाल में फंसाने के लिए था, असल ट्रक तो हमारा वो आ रहा है, वो देखो। पहलवान जी, यह इंस्पेक्टर अख्तर है, हमारे ट्रक का पीछा करते करते यहां पर पहुंच गया है। काफी अरसा पहले इसने हमारे एक साथी को गोली मारी थी। शहजादे, हमारी मंशात पकड़ने तक तो सही था, लेकिन बंदे मारना कुछ ज्यादा ही हो गया। तुम और तुम्हारे जैसे हमारे मुल्क और माशरे में मंशात और जुर्म फैलाएंगे, मैं और मेरे जैसे हजारों पुलिस अफसरान उनका यही अंजाम करेंगे। ना कर शहजादे, ना कर, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कोई पुलिस वाला होकर और ले पहलवान से बदमाशी। मेरे जिस बंदे को तूने मारा था ना, वो भी अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए यही धंधा करता था। इतनी महंगाई और कीमतों में इतना इजाफा, अब तो पाउडर और बारूद बेचकर ही गुजारा हो सकता है। और दूध तो हम अपनी सफेद पोशी का भरम रखने के लिए बेचते हैं, क्यों शहजादे? बिल्कुल पहलवान जी, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, लेकिन तुम जैसे हरामजादे हमारे मुल्क और हमारी नस्लों को चंद पैसों के लिए बेच देते हैं। और कहा था ना, ना कर शहजादे, ना कर। एक तो ये पुलिस वाले बोलते ही बहुत हैं। अगर इतना जोर ट्रैफिक को ठीक करने पर लगा तो हादसा में कमी हो सकती है। यूसुफ, इस कचरे को साफ कर दो। मास्टर साहब, मैं क्या करूं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। बेबे, मास्टर जी, बेबे मेरा रिजल्ट आ गया, फर्स्ट डिवीजन लिया तेरे बेटे ने, और पास हो गया हूं। माशाल्लाह मुबारक हो। अपा, छोटे शहर में तो नौकरियां मिलती नहीं है, और मैं तो कहता हूं इसको लाहौर भिजवा दो, और तुम्हारी बहन भी तो रहती है वहां पे। वर्दी की कसम,
इस मोशरे में छुपे दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा कर ही रहूंगी और आपके इस मिशन को जारी रखूंगी जिसके लिए आपने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम सलाम, मैं ठीक। आज की कोई अपडेट है? आज लाहौर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, एक इन्फॉर्मेशन है इसे सबसे शेयर कर लो। इसके बाद यूनिवर्सिटी के पीएचडी के स्टूडेंट्स का एक डेलीगेशन है, उसको ऊपर कंडक्ट करना है, आप इसको चेक करो, मैं भी आती हूँ। गुज़श्ता 5 साल में दहशतगर्दी के वाकयात में पाकिस्तान के अंदर 85% कमी वाक़ हुई है। जदीद टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस शेयरिंग और कौमी सतह पर एक मजबूत तरीक़ाकार पर अमल करने से ऐसा मुमकिन हो सका है कि हम दहशतगर्दी पर काबू पा सकें। अब आपके अगर कुछ सवाल हों इस सिलसिले में तो ज़रूर पूछिए। सर, एक अहम सवाल है आपसे कि इस सारे निज़ाम और कैमरों से कैसे पहचान सकते हैं कि दहशतगर्द कौन है और उसे कैसे पकड़ना है? कैमरे तफ्तीश में हमारे मददगार होते हैं, लेकिन असल काम पुलिस के उन नौजवानों का और उन इंटेलिजेंस के इदारों का होता है जिन्होंने उस पर अमल करके उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना होता है। सर, अगर आप आवाम से ये उम्मीद करते हैं कि वो दहशतगर्दों और डाकुओं का मुकाबला करें तो फिर उनमें असला भी तकसीम करें। देखिए, लोगों का जो तआवुन होता है वो बुनियादी चीज़ है जो पुलिस और अफवाज पाकिस्तान का हौसला बढ़ाता है। लोगों से हमें ये नहीं चाहिए कि वो खुद बंदूकें उठा लें, ना हम ये चाहते हैं कि वो असलाह लेकर मुजरिमों के खिलाफ बाहर निकल पड़ें। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द रहने वाले मुजरिमों की निशानदही करें। दहशतगर्द मुख्तलिफ रूप बदल कर आपके और हमारे दरमियान इसी मुआशरे में छुपे हुए हैं। दहशतगर्दों का मजहब पैसा है। जीत लेना लाहौर को। चलो भाई, वेलकम टू लाहौर अहमद बाबू। अब बेबे को ना खालू की तरह बड़ा अफसर बन के दिखाना है। इसी बात पर एक तो सेल्फी तो बनती है। सेल्फी तो यहां भी बनती है। आ रही हूं बाबा, आ रही हूं। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। अहमद तो कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह। मैं सुबह से तुझे फोन कर रही हूँ, तेरा नंबर क्यों बन जा रहा है? वो खाला, बस लाहौर फिरते फिरते ना मुझे इतनी देर होगी और ऊपर से सेल्फियां मैंने बड़ी ली ना तो मोबाइल भी बंद हो गया मेरा। अच्छा, चल आ बैठ, आजा, शाबाश, बैठ जा। भूख लगी होगी, खाने के लिए लाऊं कुछ? हाँ खाला, भूख तो बहुत लगी है और बेबे के हाथ का तो रास्ते में खत्म हो गया था। अच्छा चल, अपना ही घर समझ, टांगे ऊपर करके ना बैठ जा,
हाँ बैठ जा। शाबाश। अगरचे गैरों से हम कम कलाम करते हैं, जो घर पे आए उसे हम सलाम करते हैं। वाह 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 वाह, अरे वाह ख्याली साहब, क्या बात है। खाला, ये छत पर किसने शेर व शायरी की महफिल लगाई हुई है? पुत्र, वो तेरे खालू शायर है ना, तो छत पे दोस्तों के साथ मुशायरे की महफिल सजा के बैठे हुए हैं। अच्छा तू आराम से बैठ, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ तेरे लिए। ठीक है खाला। अरे वाह 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 वाह, शेख साहब क्या बात है, छा गए आप शेख साहब। वाह अस्सलाम वालेकुम खालू, मैं अहमद बात कर रहा हूँ। अगरचे रस्ते पर बैठे हैं दिल बिछाए हुए, तुम्हारा जिक्र तो हम सुबह शाम करते हैं। क्या मतलब खालू इसका? तुम किधर हो? खालू मैं ये सेक्रेटरीट की पिछली गली में पहुंच गया हूँ, पर आपका दफ्तर कहाँ है? दफ्तर? मुझे ये बताओ तुमने किस रंग के कपड़े पहने हुए? खालू मैंने आज लाल शर्ट और पीली पैंट पहनी है। तुम्हारे बाएं हाथ कौन सी दुकान है? खालू ये काका टी स्टॉल लगे और मैं इसके पास खड़ा हूँ। बस सीधा इसी गली में चलते आओ, वहाँ सामने तुम्हें एक ठेला नजर आएगा। हाँ खालू कोई मेला सा ठेला लगा है और उस पे बैठा बंदा मोबाइल पे बात कर। हाँ 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 हाँ, बस उसकी तरफ जाओ और उससे बड़े अदब से सलाम दवा लो और उससे मेरा पूछो, वो तुम्हें मेरी तरफ भेज देगा। ठीक है खालू, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे खलील ख्याली साहब से मिलना है। हाँ भाई तो मिलो। खालू ख्याली साहब, एक प्लेट दाल चावल तो लगाएं। किसके लिए भाई? जी इनके लिए। अरे मेरा गाहक नहीं है, मेरा भांजा है। अच्छा हाँ। खालू आप तो सेक्रेटरीट में अफसर थे, तो फिर ये ठेला क्यों? भाई समझ गया खालू मैं, आपने हम सबसे झूठ बोल रखा है। अरे भाई मैंने झूठ नहीं बोला, तुम्हारी खाला ने झूठ बोला है। वो बस अपनी सफेद पोशी से कुछ परेशान सी रहती है। आपने तो कहा था कि खालू बहुत बड़े अफसर हैं। वो अहमद पुत्र, तेरा खालू शायर है ना, तो उनकी आदत है लंबी लंबी छोड़ते हैं, तो फिर मुझे भी उनका साथ देना होता है ना। वैसे खालू तेरे तो अफसर बनने ही आए थे यहाँ पर, बस हालात ने साथ ही नहीं दिया उनका। खालू खलील ख्याली, वैसे सिर्फ नाम ही में दम है, और मुझसे झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी, साफ बता दिया होता ठेला लगाते हैं, बेचने दाल चावल और गांव में मशहूरी अफसरी की करनी। क्या ही कहने वैसे आपके। क्यों क्यों बताएं किसी को सच? हम कोई हमें रोटी कमा के देता है, यहाँ तो अपना पेट पाल ले वही बड़ी बात है, और वैसे भी रिश्तेदारों से इतना झूठ तो बोल ही सकते हैं ना, सफेद पोशी का भरम रखना भी तो जरूरी है। बस बस खाला, कम अज कम अब अपने झूठ को आप सफेद पोशी की चादर मत चढ़ाएं। वैसे बड़ी बातें आ गई अहमद तुझे। जी खाला, बीएससी पास हूँ। बीएससी पास? पुत्र ये लाहौर शहर है लाहौर, पूरे पंजाब से यहाँ नौकरी ढूंढने आते हैं, तेरे खालू तो अफसर बन नहीं पाए, तू ही बन के दिखा दें। बीएससी पास कहाँ जा रहा है तू? खाला मुझे नहीं नींद आती यहाँ नीचे वेड़े में, हवा तक तो यहाँ पर आती नहीं, और वैसे भी मेरा लेवल ना कुछ और ही है। देखूं तो सही इस छत पर क्या है, ये कुछ ठीक लग रहा है।
नीचे भी खंडर ऊपर भी खंडर। ये क्या है? ओहो, लगता है ये भी खालू के जमाने के। कहाँ से आ रही है? मैं सेफ सिटी से बात कर रही हूँ। आपके सामने लगे कैमरे के जरिए आपको देख रही हूँ। जी मुझे देख रही हैं। अच्छा क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम छोड़ें, फिलहाल उस बच्चे का ख्याल करें जो सड़क के किनारे खड़ा है। उसे कोई नुकसान पहुँच सकता है। अच्छा जी बच्चे को भी देख लेते हैं, आप फिक्र ना करें। काकेर रुक जा, मैं आ रहा हूँ। रुक जा इधर ही। काके किधर तू? इधर आ मेरे पास, जल्दी आ, इधर आ जा मेरे पास। वो कह रहे हैं कि तुझे भी पुलिस वाले लेने आएंगे। आ किधर गए? कोई आएगा? ओ लो जी आगे, जी आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी इसको इसके माँ बाप तक पहुँचा दे हैं। चलो बैठो बेटा। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। जी आपका भी शुक्रिया। ओके जी, ओके। चलो चलो ले जाओ इसे। चलो जी। हाँ जी, अब तो अपना नाम बता दे। आपने कच्चा शहरी होने का फर्ज अदा किया है, आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपने मुझे अपना नाम नहीं ना बताना तो अपना नंबर दे दे मुझे, हैं? My number is 42. 42? Hello? Number? Ahmed? जी सर। पूरा नाम यही है, आगे पीछे कुछ नहीं? BSc Physics Double Math? जी सर, BSc. ठीक है, मैंने आपके सीवी देख लिया है। यू कैन गो नाउ, RHR विल कॉन्टैक्ट यू। लेकिन सर मेरा इंटरव्यू। इंटरव्यू भी ले लेते हैं। आप कितनी सीढ़ियां चढ़ के यहाँ आए हैं? सीढ़ियां पता नहीं सर। नहीं पता? तो जाते हुए गिन लीजिएगा प्लीज। सब खाबों
जब चांद आगे खाला, खाला, ओ मेरी खाला। आय हाय, ध्यान से पुत्र, क्या हो गया तुझे? खाला, तू ये सब छोड़, ये साथ वाले घर में कौन रहता है? साथ तो अख्तर शहीद का घर है, कुछ अरसा पहले शहीद हुए हैं, बड़े बहादुर इंसान थे, खानदानी अमीर हैं वो। लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था खाला, और तो कोई बात नहीं है। यूं ही तो पहले तूने कभी कुछ नहीं पूछा, हाँ? आज क्या बात है? नहीं नहीं खाला, वो नीले यूनिफॉर्म में ना इस घर से एक लड़की जा रही थी, तो बस इसीलिए। हाँ। अच्छा अच्छा, सोनिया होगी वो। अच्छा, तो उसका नाम सोनिया है? मालकिन है सवेली की, ध्यान से, पहले ठेले वाले को यहाँ कोई किराए पर कार नहीं देता। सेफ सिटी पुलिस में काम करती है वो। अच्छा अच्छा, वो कैमरों वाले। खाला, मेरी गली स्पीकर पर उनसे बात हुई है, लेकिन खाला वहाँ की लड़कियाँ बड़ी बदतमीज हैं। एक तो अपना नाम भी नहीं बताती, ऊपर से नंबर इतना अजीब देती, और जैसे किसी जूते का नंबर हो। तो अपने खालू से ले ली, उनके पास तो होगा। वैसे ही उसको देख के उनके अंदर का अहमद फराज जाग जाता है। लेकिन इसमें कसूर खालू का भी नहीं। क्या? पहलवान जी, माल वाला ट्रक महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया है। ओए अच्छू। जी पहलवान जी। दुकानों और ठेलों से किराया वसूल कर लिया है? ख्याली के अलावा सबने दे दिया है जी। हाँ, एक मिनट एक मिनट जनाब, एक मिनट। गर्मा गर्म चल जा दे इनको। ए, आके कर, क्या किया हुआ है? नशा करता खाली साहब? चम्मच 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 भी ले लाऊं जी? आप ये पकड़, पानी दे। सलाम अलैकुम पहलवान जी। ओ मैं क्या किराया? पहलवान जी। ओ मैं क्या शहजादे, दो दिन लेट हो गए। मुझे अगर टाइम पर पैसे पहुंचाने होते हैं, अगर मैं टाइम पर पैसे ना पहुंचाऊं तो एक मिनट में तेरा ठेला उठाकर ले गए। एक शेर? आ तौबा कर, शेर ना सुना है। तुझे पता है ना इस बात का कि तेरा शेर सुन के मुझे हंस आ जाता है यार। लेकिन तब भी सुन ले, रोटी की मोहब्बत में हम आशिफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे जो वाजिब भी नहीं थे। आहा, और पैसे निकाल। एक, दो, मैं क्या
वायलेशन करते हो, कोई किराया दो बंचों का देते हो तो बिछाते तीनों। ओए बेंच को तुम चुका। ओए सुनो ख्याली, मैं अगले महीने से किराया बढ़ा रहा हूं, बड़ी सख्ती हो गई है, मुझे आगे भी पैसे देने पड़ते हैं। मगर पहलवान जी, आपने कभी हमें रसीद तो दी नहीं। ओ तौबा कर, तौबा। ओए आज तक माने पैरमान से हिसाब लेने वाला पैदा ही नहीं किया। और गवर्नमेंट हमें कौन सी रसीदें देती है कि हम तुम्हें रसीदें दें? ओए अगर हमने रसीदें देनी होती तो हम पढ़ लिख ना जाते। ओए तेरा पुराने जमाने का पढ़िया होया भी ये आज भी तुझे जिंदगी का सबक नहीं पढ़ने देता। ओए तेरी शायरी तो मैं सुन लूंगा, पर मेरे धंधे में डंडी न मारा कर। ठीक है पहलवान जी, लेकिन बात सुने, ईमान से ये पढ़क लिख दिए जिसकी वजह से मैं चोर डाकू बनने से बच गया हूँ। लेकिन इंसान फिर जो देखता है उस पे बोलता तो है ना, इसी बात पे एक शेर अर्ज करता। ओ तौबा कर, तौबा कर। ओए अपना शेर तू अपने कोल ही रख, एक गल सुन, धंधा पहले ते तेरी मेरी यारी बाद। अच्छा फिर सलाम अलैकुम। सलाम। खालू एक बात तो बताएं। अबे एक क्या दो पूछो। क्या आपने लाहौर आते ही ठेला लगाना शुरू कर दिया था? अरे नहीं भाई, हम तो लाहौर फतह करने आए थे, बीए पास, साहिब दीवान शायर, मुशायरे भी पढ़े, फिल्म के गाने भी लिखे मैंने। फिर पता चला यार यूं जिंदगी नहीं गुजरेगी, तो नौकरी की तलाश में निकल पड़े। एक आधी नौकरी भी मिली लेकिन मिजाज नहीं मिला। तो फिर आपने क्या किया खल? बस फिर अपने ख्वाबों को हमने ख्वाहिशों की चादर में लपेट कर एक ट्रंक में बंद कर दिया और ऊपर मजबूरी का ताला लगा दिया। ये सरकारी नौकरियां, ये बीएससी वालों के। नौकरी मिलने से पहले ही हाथ से निकल गई है, मैं भी हाथ से जाने नहीं दूंगा। नवीद ने तैश में आकर उसी छुरी से तबस्सुम का गला काट दिया जिस छुरी से उसने अपनी सालगिरह का केक काटा था, और छुरी फिरते ही तबस्सुम के गले से खून का फवारा फूट पड़ा। और नवीद, ये कौन है? अभी पूरा मोहल्ला इकट्ठा करके तुम्हें सबक सिखाती हूँ। मेरी बात सुनो निंजा टर्टल्स। छोड़ो मुझे, कौन है तुम? अहमद नाम है मेरा, ख्याली साहब का भांजा हूँ मैं। इस वक्त मेरे घर में क्या कर रहे हो तुम? मैं छत पर बैठा अखबार में नौकरी तलाश कर रहा था, हवा के चलने से अखबार आपके बरामदे में आ गिरी और मैं बस वो ही लेने आया था। अच्छा अच्छा ठीक है, अब अपने अखबार उठाओ और यहाँ से चलते बनो। शुक्रिया। झूठा, रात के 2 बजे नौकरी ढूंढ रहा था। बोल यूसुफ काका, कैसे याद आए? पहलवान जी, बॉस पाकिस्तान आ चुके हैं और आपसे मिलना चाहते हैं।
यूसुफ, तुमने बड़ी खुशखबरी दी है। मैंने भी बॉस से बहुत बातें करनी है। कब मिलना? कल रात पुरानी जगह पे। थैंक यू। हम भाई पेचल गाय नीचे से आजमत। चुप कर जा, तेरी वजह से मेरी पतंग बो कटा हो जानी है। खप डाली तूने, चुप कर। आहा, क्या ही मस्त हवा चल रही है। और डोर छोड़, और छोड़ दे। और बस पेचा लगने लगा, तू डोर छोड़। चलो भागो यहां से। लो तो आपने मारा छापा। मैं भी कहूं बच्चे ऐवी तो नहीं डर के भागे। तुम भी डरो और भागो यहां से। ओ भला मैं क्यों डरूंगा है, मैंने किया ही क्या। पतंगबाजी तो वैसे ही कानूनन जुर्म है। अभी तो मैंने छापा मारा है, पुलिस छापा मारती ना तो लग पता जाता। पुलिस कहीं छापा मार ही ना दे। वैसे कितनी अजीब बात है ना कि बंदा उड़ा दो तो कोई नहीं पूछता, लेकिन पतंग उड़ाओ तो सीधा छापा। बस इतनी भी बेकार नहीं है हमारी पुलिस। ओ मैडम जी, पुलिस बेकार नहीं होती, ये पुलिसिये बेकार होते हैं। वैसे कभी किसी पुलिस वाले से पाला पड़ा है तुम्हारा? मैं कोई चोरू चक्का हूँ कि मेरा पुलिस वालों से पाला पड़ेगा? कोशिश करना कि किसी पुलिस वाले से पाला ना ही पड़े। ये क्या भाई? वैसे कोई आजकल जरा सी भी ढीली हरकत करे ना तो पुलिस वाले उसे जोरदार तुनका लगाते हैं और मुजरिम एकदम सीधा हो जाता है। चलो उतारो पतंग वरना पुलिस बुला लूंगी। ओ जी आप तो सीरियस ही होगी हैं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं तो कहता हूँ पतंग आप उतारे, मैं पिनी कर लेता हूँ। हैं लपेटो। वैसे ये आपने पतंग उड़ाना कहाँ से सीखा? अपने बाबा से। वो भी लुटेरे थे? मेरा मतलब है जी पतंग बाजते। बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। वो जी वैसे तो मैं कम बोलता हूँ लेकिन आपको देख के ना मुझसे चुप रहा नहीं जाता। मेरा दिल करता है कि बस मैं बोलता जाऊँ, आप सुनती जाएं और मैं कहता जाऊँ। आह ओ जी पेड़ा गर्क करा लिया ना नुकसान सोनिया जी, कितना गहरा जख्म आया है। अच्छा सुनो, वो नमक वाले पानी में हाथ भिगो लेना, जख्म ठीक हो जाएगा। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री के पेचा लगने से पहले ही आई बो काटा हो गया है। अरे बेगम, अरे हमारी खिल्लत हमें ला दीजिए यार, मेहमान आने वाले। यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं आप? अपने वो छत पे धो के डाली है मैंने वेस्टकोट, आप खुद ही ले लें। मेरा जरूरी ड्रामा चल रहा है, मैं नहीं छोड़ के जा सकती। तुम्हारा तो ड्रामा ही चलता रहता है भाई। और आपका भी जो हर हफ्ते लाइव ड्रामा चलता है ना यहाँ, वो भी मैं देखती हूँ। पता नहीं कैसे अजीब से मेहमान आते हैं आपके। असरात, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारी इस मुशारे की 170वीं नशिस्त है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। और मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि इस नशिस्त का सदर आपने मुझे मुंतखब किया। तो महफिल का हम आगाज करते हैं। शमा महफिल हमारे दोस्त शायर बुलबुला साहब को पेश करता हूँ। बुलबुला साहब। क्याली साहब, अर्ज किया है? अभी कहाँ किया है भाई। ओ शेख साहब, अभी तो इजाजत मांगी है। अभी इजाजत काहे की भाई, अभी आए तो मुशारा पढ़ के जाना। अरे क्या बात है, इतनी जल्दी भी क्या है। अरे वाह। मांगोगे तो नहीं मिलेगी। वाह। कर दोगे तो हो जाएगी। अरे क्या कहने शेख साहब, क्या कहने।
शेख साहब आपकी बारी नहीं है, बुलबुला साहब की बारी है। अरे नहीं 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 ख्याली साहब, जरा देखिए मिश्रा कहाँ से ढूंढ कर लाए हैं। मांगोगे तो नहीं मिलेगी, कर दोगे तो हो जाएगी। हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले। अरे मिर्जा साहब, आपने क्या पर्चा कटवाना है हमारे मुशायरे के खिलाफ? सॉरी ख्याली साहब। तेरे होंठों की लाली हर पल, वाह तेरे होंठों की लाली हर पल, वाह शेख साहब वाह, दिल मेरा दहकावेगी। तेरे होंठों की लाली हर पल, दिल मेरा दहकावेगी। क्या बात है, हाय हाय, क्या फिकरा है के धक धक करने लगा, हमारा जियारा जलने लगा, कच्ची कलियां तोड़ना। अरे इस मुशायरे में घुंघरू मंगवा ले। घुंघरू मंगवा रहे, मैं क्या शमशा पाई हूँ। छुट्टी नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई। क्या फिक्रा है, वाह 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 वाह, छुट्टी नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई, हाय हाय, छुट्टी नहीं है मुंह से ये काफर लगी हुई, हाय हाय, छुट्टी नहीं है मुंह से ये काफर लगी हुई, ओले भाई, छुट्टी नहीं है मुंह से ये काफर लगी हुई, ओए होए, छुट्टी नहीं है मुंह से ये काफर लगी हुई, ओले भाई, काफर लगी हुई, हा हा, काफर लगी हुई, ओले भाई। क्या हाल है पहलवान, काम कैसा चल रहा है? कर्म है उस रात का, गुजारा हो रहा है। बड़ी देर के बाद मुलाकात हो रही है। ऐसा ही है। क्या तुम दूसरे शहरों में भी काम कर सकते हो या इसी पिंजरे में ही कैद रहोगे? बॉस, मैं खुले आसमान का परिंदा हूं, जहां तक मेरी नजर जाती है मैं वहां तक उड़ सकता हूं। दाना और दाम देखकर फैसला करता हूं। दाम की तुम फिक्र मत करो, जहां और जिस मुल्क में कहोगे अदायगी हो जाएगी। मैं इस मुल्क की हर दीवार पर खून के छींटे देखना चाहता हूं। सब लाल होगा बॉस, लालो लाल शहजादे, लालो लाल। फाइल दिखाएंगे जी। नंबर तो तुम्हारे ठीक हैं, पर तजर्बा कोई नहीं है। मुझे मेरे कॉलेज के लिए ऐसा टीचर चाहिए जो फर फर अंग्रेजी बोल सकता हो। तुम बोल लेते हो? यस सर, ऑफ कोर्स, बीएससी। ओके ओके, तुम ये बताओ, ये जॉब क्यों करना चाहते हो? जरा इन्हें बताओ, जरा फर फर अंग्रेजी बोल के। सर माय क्वालिफिकेशन इज बीएससी एंड I am very confident that I can teach very well, particularly subject of my interest like math and physics. Oh, अच्छा अच्छा। जनाब जनाब जनाब। हाँ हाँ बिल्कुल चाहिए जी, चाहिए। फर फर अंग्रेजी बोल लेता है, नहीं भी बोलता तो कोई बात नहीं जनाब, आप तो बोल लेते हैं ना, यही काफी है। और सुनाए जनाब, कब चक्कर लगा रहे हैं आप मेरे पास? मैं वेट कर रहा हूँ आपका। ठीक है जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। रूप बदल कर जाने किस पल, क्या बन जाए मायनी, रूप बदल कर जाने किस पर, क्या बन जाए मायनी, दिल का आखिर आ पहुंचा है, दर्द कहाँ तक जाए नी, माए नी, माए नी।
क्या घूम रहा है, चरखा कौन घुमाए, क्यों आया है? रोटी खा ले। नहीं खाला, मुझे भूख नहीं है। इंटरव्यू कैसा हुआ तेरा? खाला आज का इंटरव्यू कुछ अच्छा नहीं हुआ। अगर इंटरव्यू देने का शौक ना हो तो एक आला नौकरी मिल सकती है तुझे। नौकरी? भाई अपनी मर्जी की टाइमिंग, खुली फिजा, फ्री लंच, ट्रांसपोर्टेशन की कोई जरूरत नहीं, और एनुअल और कैजुअल लीव वो भी मर्जी से। खालू कोई कंपनी है? इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री। सीईओ की जगह खाली है। खालू ख्याली दाल चावल। खुदा का नाम ले खाला, अब बीएससी करके मैं दाल चावल का ठेला चलाऊंगा। भाई अपनी मर्जी की तुम्हें नौकरी मिलेगी तो इस्तीफा दे देना सीईओ की पोस्ट से। नहीं खालू, मेरी जिंदगी में दाल चावल पहले ही बहुत है, और मेरी माँ ने मुझे इस दिन के लिए पैदा नहीं किया कि मैं आप लोगों का वो दाल चावल का ठेला चलाऊं और लोगों के झूठे बर्तन साफ करूं। मैं ये मामूली काम नहीं कर सकता। मेरे भी कुछ ख्वाब हैं और उन ख्वाबों में दाल चावल का ठेला तो बिल्कुल नहीं आता। अब बीएससी अहमद दाल चावल बेचे। और मेरे ख्वाब, हाय ओए मेरे ख्वाब। साथियों, जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो घड़ी आन पहुंची है। जब तक हम इस पाक वतन में अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों को खत्म नहीं करेंगे, इस्लामी निजाम नाफज नहीं कर सकते। शहादत की मौत इस जिंदगी से हजार दर्जे बेहतर है जो हम इन पुलिस वालों के दरमियान गुजार रहे हैं। और लोग हमें दहशतगर्द कहते हैं, दहशतगर्द। तो फैसला खुद कर लो, जन्नत एक तरफ और आरजी दुनिया एक तरफ, तो बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए, जिंदगी या शहादत? महंगाई को कम करो, पेट्रोल की कीमतें कम करो, महंगाई को कम करो, स्कूल फीसें कम करो, महंगाई को कम करो, पेट्रोल की कीमतें कम करो, महंगाई को कम करो, पेट्रोल की कीमतें कम करो, महंगाई को कम करो।
हुकूमत की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सब मेरे साथ मिलकर बोलो, महंगाई को कम करो। सब मिलके बोलो, महंगाई को कम करो। मियां जी तुन के रखो, तुन के रखो। यार नारे मारो ना, बिरयानी खादी है, आ रही है, आ रही है रोटी, आ रही है। कम करो, ला चुक के रख जरा। कम करो, कम करो, कम करो, कम करो। हेलो, गल तो सुन, बात तो सुन। जब की है गवर्नमेंट, अब इस गवर्नमेंट में कुछ भी नहीं। ये सारे हमको मिलकर पागल बना रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के बच्चे। फारगो, धरने में शामिल हो जाओ। ओ नहीं यार, बस 500 रुपए मिलेंगे, करना करना कुछ भी नहीं, और बस बैठ के 2-4 नारे मार देने। नहीं नहीं यार, रख तू पास ही, तेरी दिहाड़ी लग जाएगी, वो करना कराना कुछ भी नहीं, दिहाड़ी बन जाएगी तेरी। बस ना जाके ना मियां जी तुन के रखो, मियां जी तुन के रखो, बस इतना ही जाके कह देना, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। नारे लाने बस, शाबा हैर हुए, हैर हुए, मियां जी तुन के रखो, मियां जी तुन के रखो, तुन के रखो, तुन के रखो। यार ही बिरयानी, शाबा शाबा, आ रहे आ रहे, मैं भी आ रहे हैं। सब मेरे साथ मिलकर बोलो, महंगाई को अस्सलाम वालेकुम। देखें, हमने आपकी जो गुजारिशात हैं वो हुकूमत तक पहुंचा दी हैं, और आपसे यही दरख्वास्त है कि आप अपना ये धरना, ये एहतजाज ख़त्म करें। एहतजाज आपका जमहूरी हक है, लेकिन आप लोग सिचुएशन को समझने की कोशिश करें और हमारे साथ तावन करें, ताकि ये जो रास्ते बंद हैं ये खुल जाएं और लोगों को भी रिलीफ मिल सके। हम नहीं मानते, हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं। सर, हम लोग ये अपना एहतजाज खत्म नहीं कर सकते, महंगाई के इस कदर तूफान ने हमें मजबूर कर दिया है। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते और महंगाई को कम नहीं किया जाता, हम लोग तब तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। चेरिंग क्रॉस पर आवाम महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज थे कि इसी दौरान एक खुदकुश धमाका हुआ है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि लाहौर आज एक बार फिर से खून में नहा गया है। आवाम का एक हुजूम था जो चेरिंग क्रॉस पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहा था। दहशत गर्दों ने इस हुजूम से फायदा उठाया और पुलिस फोर्स को इस दहशत गर्दी का निशाना बनाया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि लाहौर आज एक बार फिर से अहमद नहा गया है। अहमद, हाय अहमद, अबे ये क्या हुआ है भाई, क्या हो गया तुझे? वो खालू इसी बॉम्ब ब्लास्ट में जख्मी हुआ है। हाय मेरा बच्चा, बैठ इधर, बैठ। ख्याली साहब, आप बैठ क्यों रहे, किसी डॉक्टर को लेकर आए? नहीं नहीं खालू, अभी सीधा अस्पताल से ही आ रहा हूँ, कुछ दवाइयाँ दी हैं, बच बचाओ हो गया खाला।
जख्म वगैरह ये दिखाओ, आंख बज गई है। बैठ तू, मैं दूध और हल्दी लेकर आती हूँ तेरे लिए। अभी बेटे तुम बम ब्लास्ट वाली जगह पे क्या कर रहे थे? खालू मैं तो इंटरव्यू के लिए गया था। हुई है कि इस खुदकुश धमाके के नतीजे में डीएसपी आबिद खान ने जामे शहादत नोश किया है और इसके अलावा दो पुलिस अहलकार भी शहीद हुए हैं। राहगीरों और एहतजाज में मौजूद लोगों की अगर हम बात करें तो इसमें 15 अफराद की शहादत की इत्तला है और 50 के करीब अफराद जख्मी हैं। दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाकयात में अब तक 5,000 के करीब पुलिस अहलकार फर्ज की अदायगी में अपनी जानें कुर्बान कर चुके। हम जिंदा हैं, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं। आँखों से कहो नम नाक न हो, आँखों से कहो नम नाक न हो। हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं। जो राह खुदा में मार गए, जो राह खुदा में मार गए, वो जिंदा थे, वो जिंदा हैं, वो जिंदा थे, वो जिंदा हैं, हम जिंदा थे, हम जिंदा। Oh,
से कहो नम नाक ना हो, आँखों से कहो नम नाक ना हो, हम जिंदा थे हम जिंदा हैं, हम जिंदा थे हम जिंदा हैं, जो सर ये खुदकश बमबार का सहूलत कार है जो उसे मोटरसाइकिल पर छोड़ने आया था। सर 2:50 पर ब्लास्ट हुआ था और आप देख सकते हैं कि ये सहूलत कार 2:43 पर खुदकश हमलावर को चेरिंग क्रॉस पर उतार रहा है। उसकी मोटरसाइकिल का नंबर भी हमने ट्रेस कर लिया है। इस वक्त क्या लोकेशन है? सर लोकेशन अभी भी अंदरून शहर आ रही है। प्रेजेंस का पता चला है किसी को? जी सर, वो एक चाय वाले ढाबे पर बैठा है। इसे जूम इन करें, कंफर्म करें, यही फेस है? Tyra, confirm it. Confirm है सर। Team 1 from IC3, location please. जी ready. All set? Sir. Go. Team 1 from IC3, move over. Roger sir. Well done. अहमद तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो उस बॉम्ब ब्लास्ट में बच गए, वरना उस बॉम्ब ब्लास्ट में कितने ही लोग मारे गए और तो और हमारे पुलिस के कितने ही नौजवान शहीद हो गए। मुझे लगता है कि मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं थी, तभी तो बच गया मैं। सोनिया पुत्र चाय। शुक्रिया खाला। अहमद तू उसे तेजाज में करने के गया था? 500 रुपए मिलेंगे, करना करना कुछ भी नहीं, वो बस बैठ के 2-4 नारे मार दे। अहमद एक मिनट खाला। सोनिया मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। धमाके वाले दिन मैंने एक शख्स को देखा था जो लोगों को धरने में शामिल होने के लिए उकसा रहा था और उसने मुझे भी 500 रुपए दिए थे। क्या अहमद तुम पहचान सकते हो उसे? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है चलो मेरे साथ अभी। क्यों नहीं सोनिया? सोनिया पुत्र इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसे इस वक्त बाहर ना लेके जाओ। खाला आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, चलो सोनिया। खाला पुलिस की मदद ही हम सबकी मदद है। सर ये क्राइम सीन की फुटेज है। सर यही है वो शख्स। एक सेकंड पॉज करें इसे। सर ये तो एक ट्रांसपोर्टर है सर, मुझे इसके अड्डे का भी पता है सर। वो कैसे? सर ट्रैफिक पुलिस। ये दूसरा शख्स कौन है? सर मुझे इसका नहीं पता। सर मैं भी नहीं सर इसे जानता सर। चलने दो इसे, चलने दो। और आगे Thank you.
पॉज, जूम इन करें इसके फेस को, इसको देखें, इसका बैकग्राउंड भी चेक करें, इसकी डिटेल लें, मुझे इसका सारा रिकॉर्ड चाहिए। ओके सर। इसे जानते हो? नहीं, नहीं मैं नहीं से जानता जी। तुम इसे जानते हो? जी सर, ये वही शख्स है जिसने धरने में शामिल होने के लिए मुझे 500 रुपए दिए थे और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने के लिए भी इसी ने कहा था। बाऊजी, हुकूमत के खिलाफ ना लोग मुफ्त में नारे लगाने के लिए तैयार हैं, ना मुझे अपने हलाल की कमाई इन कामों में लगाने की क्या जरूरत है जी। और वैसे भी इस धमाके में ना हमारे कोई 6 बंदे शहीद हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि हमने खुद पैसे देकर उन्हें शहीद करवाया है। साहब जी, अभी तो उनकी कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई है और आप उन दहशतगर्दों को पकड़ने की बजाय हम पे ही छापे शुरू। और अगर मैं तुम्हें ये दिखा दूं कि तुम अपनी हलाल की कमाई किस तरह लोगों में तकसीम कर रहे थे तो फिर? ओ, सबो देखो, लोग ना सारा सारा दिन पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ नारे लगाते हैं, ना वो ना कुछ खाएं ना कुछ पीवें। हाँ जी, हो सकता है हमने कोई रोटी पानी के नाम पे कुछ 4 पैसे दे दिए हो, ये भी मुमकिन है। इस चूचे को भी तरस खा के वो 4 पैसे दे दिए हो, कोई बड़ी गलत तो नहीं है? नहीं नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है, ये तो वहां पर बकायदा लोगों को पैसे दे रहा था धरने में शामिल होने के लिए। तुम चुप रहो, इसे जानते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं इसे जानता ही नहीं, देखा ही पहली बार है, मैं इसे जानता ही नहीं, देखा ही पहली बार है। तुम्हारी तफ्तीश तो मैं कर लूंगा, चलो अहमद। अहमद, आप इस तरह करें कि वेटिंग रूम में जाके बैठें, मैं अभी आपके साथ आके बात करता हूँ। ठीक है सर। कासिम IC3 फ्रॉम तारिक IC3। तारिक IC3 गो अहेड। सर, हबीब का ये कहना है कि वो इसे नहीं जानता, लेकिन इसके अड्डे से मालूम किया है कि वो इसके पास अक्सर आता जाता रहता है और इसका असल नाम यूसुफ है और इसका ताल्लुक भावलपुर से है। हमारी ट्रैकिंग भी यही बताती है कि मॉल रोड पे आने से पहले ये लोग इसी इलाके में थे, हम उसे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से तलाश कर रहे हैं। सर, वैसे मुझे इस लड़के अहमद पर भी शक है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये हमें डिट्रैक्ट कर रहा हो? सर, वैसे हमें तमाम लीड्स पर काम करना चाहिए सर। उसने तो हमारी मदद करने की कोशिश की है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो उसे भी चेक कर लें। सर मेरी बात तो सुने सर, सर मैं बेकसूर हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपकी मदद कर रहा था। सर मेरी बात तो सुने, मेरा कसूर क्या है? सर मेरी बात तो सुने सर, मैं बेकसूर हूँ सर, मैं सिर्फ आपकी मदद कर रहा था सर। साहब, सोनिया घर पर नहीं है और फोन भी बंद जा रहा है उसका। कितना समझाया था मैंने इस लड़के को कि पुलिस वालों से दूर रहे, लेकिन इसने मेरी एक नहीं सुनी। अब मैं बड़ी आपा को क्या मुंह दिखाऊंगी? जानी बेगम, तुम फिक्र ना करो, मैं जाऊंगा पहलवान के डेरे पे, उससे फरियाद करूंगा, मुझे यकीन है वो अहमद को बचा लेगा। पता नहीं मेरा भांजा किस हाल में होगा, कहाँ होगा।
याद नहीं कुछ याद नहीं क्या देखा और क्या ना देखा याद नहीं कुछ याद नहीं याद नहीं कुछ याद नहीं नैनों के कहने में आकर हमने नीर बहाए पहलवान मेरे भांजे को पुलिस वाले पकड़ के ले गए हैं। वो उनकी मदद करने गया था, उल्टा उस पे इल्ज़ाम धर के हवालात में बंद कर दिए। जवान बच्चा है, जेल गया उसका मुस्तकबिल ख़राब हो जाएगा। मेरी मदद कर पहलवान। और रहने दो सेपुर उसके पास, बड़ा शौक था उसे अच्छा शहरी बनने का, शौक पूरा होने दे उसका। और तुझे पता है ना, पुलिस या ससुराल के पास जाएं तो पैसे तो खर्च होते ही हैं। बच्चा है पहलवान, तेरे बच्चे जिए। मेरे पास पैसे होते मैं खुद पुलिस वालों को जाकर ना दे देता। बता तेरे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जिसको कहेगा उसको मैं वोट डाल देता हूँ। मेरी मदद कर पहलवान। शहजादे बनता तो नहीं, लेकिन तेरी वोट वाली बात मुझे बहुत पसंद आई। क्या क्या याद करेगा किसी पहलवान से वास्ता पड़ा है। ओए अच्छू। जी पहलवान जी। थाने फोन मिला। सलाम खाला। वालेकुम अस्सलाम। माँ तेरी का फोन आया था, मैंने उसे कहा दफ्तर गया है तेरा बेटा। और हाँ, एक और झूठ भी बोला मैंने, अहमद बड़ा मेहनती है, बड़ा काबिल है, पैसे भेजेगा तुझे जब तनख्वाह मिलेगी। तो अब अपनों के लिए इतना झूठ तो बोलना बनता ही है ना। तू ताने दे सकती है खाला, क्योंकि तेरे घर में रहता हूं ना, इसलिए। अगर मेरी किस्मत में नाकामी लिखी है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं अच्छा काम करने की कोशिश भी ना करूं। और रही बात पैसे कमाने की, तो वो भी कमा ही लूंगा किसी ना किसी तरह। तौबा है भाई, गुस्सा तो देखो इस लड़के का। ये अहमद मेरी कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहा? सलाम खालू। खालू आज से मैं ठेले पे काम करूंगा। ये कोई धमाके का असरात तो नहीं अभी तक? नहीं नहीं खालू, बस मैंने अपने सारे ख्वाब ना ट्रंक में बंद कर दिए, और अब मैं आपसे भी ज्यादा मेहनत करूंगा। और आप देखना, अब मैं इस ठेले को ना एक रेस्टोरेंट में बदल दूंगा। नौजवानों के ख्वाब, वाह। खालू लंच टाइम होने वाला है, जाइए ना आप ऑर्डर ले आइए। हाँ ठीक है, तुम जरा रेस्टोरेंट की प्रैक्टिस करो, मैं सामने से ऑर्डर लेकर आता हूँ। ओए तू किधर गायब रहता है? मुस्कुराता है ना आया।
साइकिल, इधर आ जल्दी। अहमद, अरे भाई ये क्या किया था? मैंने तो बड़ी मुश्किल से अपना ठेला गंदा रखा था, अब तो इस तरफ कोई गरीब आदमी आएगा ही नहीं है। खालू आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि दो प्लेटों के साथ एक प्लेट बिल्कुल मुफ्त है। ये ख्याल मुझे क्यों नहीं आया भाई? फोन क्यों नहीं उठा रहे? जैसे तुम्हें नहीं पता ना, थाने में बंद था इसीलिए नहीं उठाया। तो अहमद, मैं भी माफी मांगने के लिए फोन कर रही थी। तुम उस बॉम्ब ब्लास्ट में जिंदा बचे हो, एटलीस्ट तुम्हें तो उस वाक्य की नोयत को समझना चाहिए। जी सोनिया मैडम, बॉम्ब ब्लास्ट में जख्मी होने और थाने में एक रात गुजारने के बाद मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ आप पुलिस वालों की मजबूरियां। अहमद कहाँ जा रहे हो? खालू के ठेले पे नौकरी के लिए। अरे वाह, हमारा अहमद अब कारोबार करेगा? ख्याली दाल चावल के ठेले को रेस्टोरेंट बनाएगा? मतलब ये कि आपकी नजर में ये काम छोटा नहीं है और आप मेरी इस नई सोच को सपोर्ट करती हैं? हाँ क्यों नहीं अहमद, और वैसे भी ये जरूरी नहीं है कि कामयाबी के लिए नौकरी ही की जाए। दुनिया के सारे अमीर लोग कारोबार करके ही तो बने हैं। लेकिन आपस की बात है कि दाल चावल का ठेला किसी ने नहीं लगाया होगा। क्या ही बात है ख्याली दाल चावल की हैं? चलिए उधर पकड़ा। ओहो चम्मच किधर गए हैं? ये पड़े, बस आ गए जी, आ गया आ गया आ गया। चल साइकिल, इसको साफ कर, जल्दी हो जल्दी हो। और तुझे कितनी बार कह ये नशा करना छोड़ दे, जल्दी कर। यार ये आजकल सेफ सिटी ने बड़ा मसला बनाया हुआ है। वो कैसे? कोई आदमी हेलमेट ना पहने तो जुर्माना हो जाता है, कोई आदमी इशारा तोड़े तो चलान घर पे भेज देते हैं। पहले तो ऐसा नहीं था। लेकिन हमारा मुआशरा भी कानून पर अमल करने को तैयार ही नहीं है। जब कोई हादसा हो जाता है ना तो सर पीटते फिरते हैं। हमें भी चाहिए कि रूल्स फॉलो करें। बातें अच्छी करते हैं। क्या हाल है सोनिया जी? वाह अहमद, आज तो तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। वो जी बस मैं। ये क्या छुपा रहे हो? ये वो जी, जिंदगी की पहली कमाई हाथ आई थी तो सोचा आपके लिए कुछ खरीद लूं। जब खरीदने निकला तो इन चूड़ियों पर नजर पड़ी। इन्हें देखते ही अंदाजा हो गया कि ये किन हाथों के लिए बनी। बस आप यूं समझे कि आप ही की अमानत आप तक पहुंचाने आया हूं। अरे वाह, कितनी खूबसूरत चूड़ियां हैं ये। अहमद चूड़ियां ले आयो, पहनाओगे नहीं? वो जी मैंने कभी किसी को पहनाई नहीं है, इसलिए मुझे पहनानी नहीं आती। मैंने तो खरीदी भी पहली बार ही है। तो अब पहना दो। सच्ची जी? अल्लाह दी कसमें, नेकी और पूछ पूछ, मेरा मतलब है जी पूछ पूछ। हाथ आगे करें। मोहब्बत के सफर में दो मुसाफिर साथ चलते हैं। मोहब्बत के सफर में दो मुसाफिर साथ
चलते शदादे। वो पहलवान जी ट्रकों वाले अड्डे पे रेड पड़ी है। वो तेरे ख्याल में ये छोटा सा मसला है? वो तेरे अड्डे पर कोई मुखबर तो नहीं? नहीं पहलवान जी, मैंने अड्डे पे आके कैमरे चेक किए थे। पुलिस के साथ एक लड़का था जो आगे आगे उनको गाइड कर रहा था। वो लड़का कौन था पहलवान जी? उसके नाम का तो पता नहीं, पर आपको उसकी मैं तस्वीर व्हाट्सएप करता हूँ। ये हमारे आखिरी काम वाला स्यापा लगता है मुझे। सारा स्यापा तो इन कैमरों का है। तस्वीर जल्दी भेज। ओके पहलवान जी। ले भी अहमद, आज से तेरे चौड़े खत्म। दूसरा शख्स कौन है? आ
आई है ये पहलवान जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अहमद के खालू के अफसोस के लिए आया था। जी अहमद, यहाँ तो सारी औरतें बैठी हैं, ऐसा करो पहलवान जी को मेरे ड्राइंग रूम में बिठा दो। हाँ ये ठीक रहेगा, आइए पहलवान जी। पहलवान जी इस तरफ आइए, इधर है ड्राइंग रूम। ये सब तस्वीरें वर्दी वालों की हैं। जी ये मेरे दादा हैं, इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी के लिए काम किया है, कर्नल रिटायर्ड हुए थे। और ये मेरे बाबा हैं, कुछ अर्सा पहले ही शहीद हो गए। मैं भी पुलिस के एक डिपार्टमेंट के लिए काम करती हूँ, इस वतन की हिफाजत करते कि हमारी तीसरी नस्ल है। लड़कियां पुलिस में क्या करती हैं? ये पहले जैसी पुलिस नहीं रही पहलवान जी, ये कंप्यूटर का जदीद दौर है। मैं सेफ सिटी अथॉरिटी के लिए काम करती हूँ, और वहाँ मैं ही नहीं, मुझ जैसी सैकड़ों लड़कियां काम करती हैं जो आईटी कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं। एक मिनट सोनिया, पहलवान जी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। वो जो उस दिन ठेले पर फायरिंग की गई और खालू की डेथ हो गई, मैंने वहाँ पर एक शख्स को देखा था जो धमाके वाली जगह पर भी मौजूद था। अहमद तुम फिक्र ना करो, मैं अभी ऑफिस जाके सर नासिर को सब कुछ बताती हूँ। छोड़ो मुझे कौन हो तुम लोग, छोड़ो। LES 7983 इसको फोकस रखें। मैमूना आप अगला कैमरा तैयार रखें। नेक्स्ट नेक्स्ट। मेन रोड से ये गाड़ी गली में चली गई है जिस तरफ हमारा कोई कैमरा नहीं। ये गाड़ी उस पूरे इलाके में कहीं से ना निकले। हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं यूसुफ बोल रहा हूँ। ऑल क्लियर? यस सर। सर बिल्डिंग इज क्लियर, गाड़ी भी क्लियर है, लगता है टारगेट को उन्होंने किसी और जगह मूव कर दिया। हेलो
सर मैं अहमद बात कर रहा हूँ, जो सोनिया के साथ आपके पास दहशतगर्दों की निशानदेही करने के लिए आया था। जी अहमद, क्या बात है? सर मुझे उसी दहशतगर्द यूसुफ की कॉल आई थी, उन्होंने सोनिया को अगवा कर लिया। मुझे पता है, हम उसे चेक कर रहे हैं, लेकिन तुम कहाँ पे हो, अपनी पोजीशन बताओ। नहीं नहीं सर, मैं आपको अपनी पोजीशन नहीं बता सकता, वरना वो सोनिया को मार देंगे। अहमद, अहमद चेक करें ममूना, ये लास्ट कॉल कहाँ से आई है। All entries of Qazafi Stadium. Zoom in करें ममूना, इसको zoom in करें। Should move in. कोई उसके करीब ना जाए। Just follow this car. Move to next camera. Nobody should stop this car. सबको बता दें। Control to all. इसको कोई नहीं रोकेगा। Follow up करें बस इस कार को। ये जिधर भी जाए इसे follow up करें। कोई भी इस कार को नहीं रोकेगा। इस गाड़ी के अंदर अहमद है। ये हमारा आखिरी क्लू है जो कि हमें सोनिया तक पहुंचा सकता है। आराम से शहजादे, आराम से। इस शहजादे की तीसरी नस्ल है आवामी खिदमत में। अब इसकी आखिरी नस्ल को भी मेरे ही हाथ से अल्लाह को प्यारा हो रहा है। शादी तो नहीं हुई इस सोनी की। पहलवान ये क्या मजाक है, हमने तुम्हें अपने घर बुलाया, इज्जत दी और तुम। इज्जत तो तुम्हारा बाप भी बहुत करता था। उसने मेरे धंधे को रोकने की कोशिश की, मजबूरन उसे खामोश करना पड़ा। पहलवान बस शहजादी बस, जितना मर्जी यूज है बोल, लेकिन तेरी आवाज से इंसाफ की दीवार बहुत बुलंद है। कैसे लोग हो तुम, ना कुछ आप काम करते हो ना किसी और को काम करने देते हो। तुम जैसे जालिम कल भी इस मोशरे के दुश्मन थे और आज भी। मेरे बाप दादा ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं और मैं क्या, मुझ जैसी हजारों बेटियां और पुलिस ऑफिसर इस मोशरे को तुझ जैसे नसूर से पाक करने के लिए अगर मारे भी जाए तो कोई गम नहीं। अरे तो फिल्मों का डायलॉग लिखा कर शहजादी, पुलिस का धंधा तुझे वारा नहीं खाता। मैं कह तो छोड़ो मुझे। अहमद ले, सारे मसले की जड़ भी मिल ही गई। ओए रो, कितने आदमी मरवाएगा बेवकूफ आदमी। पहलवान अब मैं आ गया हूं ना, इस लड़की को जाने दे। क्यों नहीं शहजादे? क्यों नहीं, मेरे माथे पे लिखा हुआ मैं बेवकूफ हूं। मूव करें अंदर।
टीम वन मेन गेट से नहीं जाना, बैक साइड पे जाएंगे। दीवार चढ़ते ही राइट साइड पे टारगेट है, उसके हाथ में वेपन भी है। इसका और मेरा दो नस्लों से ताल्लुक है, इसके बाप को भी जन्नत मेरे ही हाथों से मिली थी, अब इसे भी। अरे तू खाम खा दरमियान में इमदादी पुलिस बन के आ गया है। छोड़ मुझे। पहलवान मुझे खुशी इस बात की है कि मैं तेरी असलियत से वाकिफ हो चुका हूं। तू इस वतन का दुश्मन है, दुश्मन। तू इस मुआशरे का वो भयानक चेहरा है जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहता है और जिसे खत्म करना हम सबका फर्ज है। पहलवान तुम्हारी जिंदगी और आखिरत दोनों तारीख है, तारीख। बंद करो ये बकवास। ये व्यापार है, कुछ अपने खुदा के नाम को भेजते हैं, कुछ अपनी दुनिया के कारोबार को। सिर्फ अपना काम करता हूं और वो भी बड़ी ईमानदारी से। छोड़ो मुझे अहमद। ये क्या किया है तुमने सोनिया? तुम्हारा खून बह रहा है। इधर आए, हमारी मदद करें, इसको गोली लगी है, उठाएं इसे। सोनिया आंखें खोलो प्लीज। सोनिया, सोनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुबारक हो बेटे। मेरा पुत्र सलामत रहे, अल्लाह तुझे कामयाब करे। मुबारक हो बहन। मुबारक हो।
लिए। नहीं नहीं बेबे, पहले एक सेल्फी लेंगे। हैं चलो भी सारे इधर मुंह करो। हैं चलो इधर सेल्फी। ये स्माइल। आँखों से कहो नम नाक न हो।